आपने फिल्मों में तो अक्सर लुटेरी दुल्हनों के बारे में सुना होगा, जो बिल्कुल सीधी सादी नाजुक सी दिखती हैं, पर उनके इरादे बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते हैं। ऐसी दुल्हनें जब शादी करती हैं तो सब अच्छा अच्छा लगता है, और फिर अगले ही दिन वो अपने नए नवेले पति को छोड़कर सारे पैसे और जेवरात लेकर रफू चक्कर हो जाती हैं। कुछ ऐसी शादी वाला खेल हुआ है उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ शहर में, जहां अलीगढ़ में लुटेरी दुल्हन का आतंक देखने को मिला है। शादी के दूसरे दिन ही दुल्हन घर से लाखों रुपए जेवरात लेकर भाग गई। घटना के बाद पीड़ित पक्ष थाने में मुकदमा दर्ज कराने पहुंचा। शादी बिचौलिया के माध्यम से हुई थी। पता चला कि दुल्हन और परिजनों के मोबाइल नंबर बंद हैं। तीन बिचौलियों को पकड़कर पुलिस पूछताछ कर रही है। घटना थाना कुआरसी के सुरेंद्र नगर इलाके के दो परिवारों की है। चलिए लुटेरी दुल्हन का ये किस्सा अब आपको थोड़ा विस्तार से बता देते हैं। शुरुआत होती है बिचौलिए से। वो लड़की दिखाते हैं लड़के पक्ष को खुर्जा के चामुंडा के मंदिर में। लड़की को देखने के बाद लड़का फौरन शादी के लिए तैयार हो जाता है। शादी हो जाती है, दुल्हन सुरेंद्र नगर स्थित घर आ जाती है। अगले ही दिन वो अपने मायके जाने की बात करती है और सारा सामान अपने साथ ले जाने के बहाने से चली जाती है। बाद में जब पति उसे फोन करता है तो लुटेरी दुल्हन का फोन बंद हो जाता है, साथ ही साथ उसके भाई और परिवार वालों का भी फोन बंद हो जाता है। जब मामले का भंडाफोड़ होता है तो पीड़ित पक्ष थाना कुआरसी में मुकदमा दर्ज करवाता है। वहीं इसके बाद से ही उसके धमकी भरे फोन आने शुरू हो जाते हैं। पीड़ित जानकारी देते हुए बताता है कि 20 से 25 लोगों का गिरोह है जो इस तरह के कारनामों को अंजाम दे रहा है। कमलेश और बबलू, ये तीनों ने मिलकर मेरी शादी कराई थी, और कहना है देर से शादी कराने के बाद 16 तारीख को मेरी शादी हुई है, और 16 तारीख को शादी होने के बाद शाम को आई है लड़की, और कहना पर सात को रही है, और सवेरे मेरे से बोली बाजार जाना, मैंने मना करा, पर वो जिद अपनी करने के बाद नहीं मानी, फिर मुझे बाजार ले गई ऐसे कोई 10:30 बजे करी, और रास्ते में से फिर भाग गई। साथ में रेलवे रोड गई, कहाँ गई? ये क्या नाम है, अचल ताल में। कुछ खरीदारी की या वहीं से भाग गई? वहाँ से भाग गया, सामान तो लेने गई थी, पैसे उसी पे थे, सामान पहनना का था, जेवर पहन। हाँ, कितने का जेवर होगा? अब जब होगा 3-4 लाख रुपये होगा इसमें। पैसा कैश? हाँ कैश था, मम्मी ने दिया उसको। बहरहाल इस तरीके के मामले पूरे देश भर में अलग अलग हिस्सों से सुनने को मिल रहे हैं। ऐसे मामलों में सबक लेने की जरूरत है, और शादी एक ऐसा बंधन है जिसमें जल्दबाजी तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। तो अगर आपको भी लुटेरी दुल्हन से बचना है तो सावधान रहिए, साथ ही शादी सोच समझ के करिए। आपको इस मामले में क्या लगता है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।